हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से और ट्रांसक्रिप्शन नंबर होगी 11। हम 10 कवर कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शंस और 11th का पार्ट 1 करेंगे एज यूजल। पहले मैं आपको फ्रेजेस लिख के समझाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी अंडरलाइंड है ध्यान से देखिएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इनिशियल लेवल पर हैं, अभी जो अभी स्पीड पर आए हैं या जो स्पीड पर हैं 80-100 के बीच में, उनके लिए ये एक एक फ्रेज, एक एक आउटलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक एक मिस्टेक से हम कभी रह जाते हैं और कभी क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम को। तो जितना आप सीरियसली इन चीज़ों को समझेंगे, जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको इसका एडवांटेज दिखेगा आस्ता आस्ता। तो अब मैं शुरू करता हूं। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। पहले हम लेंगे फ्रेजेस, उसके बाद वर्ड्स लेंगे। पहला फ्रेज है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस हम सब जानते हैं, DFNS, और मिनिस्ट्री के लिए MN, और इसके नीचे पैरेलल टिक जरूर दीजिएगा ऑलवेज, डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं, दिस इज एक्सटर्नल अफेयर्स। अनदर इज, अगर आप चाहें तो के को डबल करिए, XTERNAL दीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स, के डबल एक्सटर्नल हो जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों कर सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट इज बाय माय कलीग्स। By my colleagues, care double और s ऊपर। Next is from those, this is those, जब those लिखो तो इसको आप वो जरूर दिखाइएगा, from this में चल जाएगा without this, from those या from these हो, from these भी आ सकता है, आप join कर सकते हैं provided you put E, तो from those, from these आपने ऐसे लिखना है और this में लगाने की जरूरत नहीं है। Next is to the extent, we all know, simple है, to the extent, छोटा हो जाएगा tent। One or two, this is one, और यहां पर dark कर देना one or two, one के साथ joining या तो one of the होती है, one of नहीं होती, this is one or two, this is one of the। By my honorable friend, by my honorable friend, he said that, जब आप ही ऐसे लाएंगे तो ऐसे बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ही सेड दैट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द, दिस इज अकॉर्डिंग टू द, अगर द नहीं हो तो आपने अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखना है। हु हैव, हु हैव, अकॉर्डिंग टू को आप अलग भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग अबव द लाइन, अकॉर्डिंग टू। आई डू नॉट नो, वो जरूर लगाइएगा नीचे, आई डू नॉट नो। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस, डबल एस, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ भी इसमें जुड़ जाएगा, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ द आए तो आप इसको द यहां से बाहर निकाल देंगे, लाइक दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द, ये द आपने क्लियर निकालना है ताकि आप टाइप करते हुए इसको मिस ना करें। अच्छा, कुछ और भी फ्रेजेस देखिए, विच आर वेरी कॉमन, वन ऑफ देम, दिस इज वन ऑफ देम,
उसके बाद है दैट ही वॉज, दैट ही टिक, दैट ही वॉज. नेक्स्ट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूनियन का यू, पब्लिक का पी बी, दिस इज एस आर, सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और नीचे पैरेलेटिक. इट इज नॉट देयर फोर, इट इज नॉट देयर फोर. नेक्स्ट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अगर फ्रॉम द बिगिनिंग हो तो फ्रॉम द बिगिनिंग आपने जी एन से काट देना, फ्रॉम द बिगिनिंग. जब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हो तो इसको डबल कर देना है, फ्रॉम द, फ्रॉम द वेरी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. नेक्स्ट इज एंड दैट इज, एंड दैट इज. नेक्स्ट इज हु विल, सिंपल हु डाउनवर्ड आता, हु उसके बाद हु विल. आई विल होगा तो अबव द लाइन होगा, हु विल यहां डार्क होगा, हु विल, हु विल. नेक्स्ट इज इट वुड नॉट, सिंपल है ये, इट वुड नॉट. वुड बिकम, दिस इज वुड बिकम. That's all. इसके बाद हम वर्ड्स लेते हैं अभी. फर्स्ट वर्ड इज क्लैरिफाइड. क्लैरिफाइड एफ हाफ वन ऑप्शन. अनदर ऑप्शन इज आप जल्दी लिखते हैं तो इसको काट दीजिए, क्लैरिफाइड. Simplified. This is simplified. और simplify आएगा तो simplify भी, simplify, simplified. अगर आपने इसको काटना हो तो काट सकते हैं, simplified में इसको ऐसे रख सकते हैं, अदरवाइज इसको F पूरा और F हाफ रखना पड़ेगा. एंड उसके बाद क्या है कि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, इट हैज बीन सिंप्लीफाइड, जब हैज बीन है तो उसके बाद पास्ट आएगा, इट हैज बीन सिंप्लीफाइड. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपने ध्यान रखना है, ट्रेटिव इसको बड़ा करना है. एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है तो हम इसको हाफ लगते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा तो हम इसको डबल करेंगे ताकि हमें दोनों में डिफरेंस पता लगे. इसमें ट्रेशन है, इसमें ट्रेटिव है, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं और हुक भी वीक आएगी. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक सिंपल है, के एन के. फाइनेंशियल, फाइनेंशियल को आप एफ एन एन, ये ऑप्शन है. दूसरी ऑप्शन है, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता तो एस एच एल दीजिए इसके साथ, नो प्रॉब्लम, एज इज कन्वीनियंट टू यू. कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसे हम ट्रांसक्राइब अच्छा कर सकें वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट आर रिक्रूट ट आर के आर टी मेंट. उसके बाद है सुपरिंटेंडेंट्स. दिस इज सुपरिंटेंडेंट्स पूरा नहीं लिखता, इसी से बनाना है. पूरा लिखेंगे बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, तो इसको हम पढ़ सकते हैं इजीली. सुपर है ये, एन है उसके बाद एन टी है,
और एस भी है इसमें, तो एस भी दीजिए, सुपरिंटेंडेंट्स, डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंट हम ऐसे लिखते हैं, जब डिपार्टमेंटल हो जाएगा तो हम मेंटल को अलग कर देंगे, और क्लियरली अलग करना है ताकि आप इसको डिपार्टमेंटल पढ़ सकें। ज्यादा दूर भी मत करिएगा, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, आपकी च्वाइस है। ये ज्यादा नजदीक हो जाएगा तो इसके साथ मिल जाएगा, ज्यादा दूर कर देंगे तो इसको आप अलग वर्ड पढ़ना शुरू कर देंगे। सो यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट। डिपार्टमेंटल के बाद है कंपिटिशन। कंपिटिशन तो हम सब जाते हैं, पिटिशन कम ऊपर आएगा। वैकेंसीज, यू ऑल नो वे कैन सीज। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेबली, PRB, प्रोबेबली। फिर है रेफरेंस, RF RNS, रेफरेंस। सेक्रेटेरिएट, SK सेक्रेटेरी, इसको हाफ देना, सेक्रेटेरिएट। असिस्टेंट्स हम सब जानते हैं, असिस्टेंट्स हाफ टी। सीनियोरिटी, सीनियोरिटी ध्यान रखिएगा, SN आएगा यहां पे। सिक्योरिटी में भी ऐसे ही बनाते हैं हम, के और एन का ध्यान रखना आपने, दिस इज सीनियोरिटी, दिस इज सिक्योरिटी। तो आउटलाइन जो भी डालनी है ढंग से डालनी है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक के लिए रियलिस्टिक, जो रियल लिखते हैं हम उसके लिए रियल ऐसे लिखते हैं, रियलिस्टिक जब करेंगे रियलिस्ट ऊपर हो जाएगा, रियलिस्टिक। नेक्स्ट इज क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग इंग यहां पे, क्वालिफाइंग। नेक्स्ट इज अनरिलेंटेड, अनरिलेटेड, एल पूरा टी हाफ, अनरिलेटेड। फिटफुल, दिस इज फिट, दिस इज फुल, FL, फिटफुल। That's all. Thank you.